हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बकरीद स्पेशल रेसिपी में मुरादाबादी मटन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। रेस्टोरेंट स्टाइल ये मुरादाबादी मटन बिरयानी घर में बनाएंगे सिंपल आसान तरीके से, जिसका टेस्ट ऑसम होगा। मटन भी बिल्कुल सॉफ्ट होगा। इस बिरयानी को मटन पुलाव भी कहा जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कुकर में ले लेना है मटन। यहाँ पे मैंने मटन 750 ग्राम यूज़ किया है। मटन के आप कोई भी पीस ले सकते हैं, चाप का हो या रान का हो। अब इसमें डाल लेना है 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। फ्रेंड्स, इस टाइम पे मैंने गैस की फ्लेम ऑन नहीं की है, अभी इसे चूल्हे पे ऐसे ही रखा है। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल लेना है। उसके बाद इसमें डालना है 3 से 4 हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, 1 जावित्री, 1/2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च, साथ में 4 से 5 लौंग और 1 बड़ी इलायची। ये इसमें डाल लेने के बाद अब इसमें 2 टेबल स्पून साबुत धनिया डालना है और 2 टेबल स्पून साबुत सौंफ डाल लेनी है। मुरादाबादी बिरयानी बनाने के लिए धनिया और सौंफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अब इसमें 2 कप पानी डाल करके इसमें हमें सीटी लगानी है। तो 2 कप पानी डालने के बाद इसे मिक्स करना है। उसके बाद गैस की फ्लेम ऑन करके इसमें 1 से 2 सीटी लगानी है। बस इतनी सीटी लगानी है कि मटन 50% तक कुक होना चाहिए। अब इसमें मैंने 2 तेज़पत्ता डाला है और इसे ढक लेने के बाद 2 सीटी लगा ली है। और ये देखिए फ्रेंड्स, 2 सीटी लग जाने के बाद मटन हमारा 50% तक कुक हो गया है। तो अब क्या करना है, मटन के पीस को इस तरह से स्ट्रेन करके एक एक करके निकाल लेना है। उसके बाद जो इसमें यखनी बची है उसे हमें एक स्ट्रेनर से इस तरह से छान लेना है। ये देखिए, तो इसकी जो यखनी है उसे हमें यूज़ करना है और ये जो चीज़ें बची है इसे हमें फेंक देना है। और अब हमें बिरयानी बनानी है तो एक बड़े से बर्तन में 1 कप कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेना है। मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है और इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज को लाइट पिंक होने तक फ्राई करना है। उसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है और उसे भी 1 मिनट तक के लिए भून लेना है ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद अब इसमें हमें स्ट्रेन किए हुए इस मटन को डाल लेना है। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल आसान सी रेसिपी है मगर इसका टेस्ट ऑसम होता है। तो ये देखिए, प्याज लाइट पिंक कलर का फ्राई हो गया था तो इसमें मटन डाल लिया है। उसके बाद इसे 2 मिनट तक और फ्राई करना है और अब इसमें हमें डाल लेना है दही। तो 1 कप गाढ़ी दही का यूज़ किया है। यहाँ पे ये तकरीबन 100 ग्राम के करीब दही होगी। इसे हमें अच्छे से भून लेना है। फ्रेंड्स, इस बात का ख्याल रखें कि जब आप मटन के अंदर दही डाल रहे हों तो गैस की फ्लेम लो कर लेनी है। उसके बाद दही को मिक्स करना है वरना दही फट जाएगा। तो अब हमें गैस की फ्लेम हाई करनी है और अब इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर डालनी है और 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डाल लेनी है। इन तीनों पाउडर को डालने के बाद हमें 1 मिनट तक और भून लेना है। उसके बाद यखनी का पानी डाल लेना है। फ्रेंड्स, ये यखनी तकरीबन 1 गिलास है तो इसमें हमें और पानी डालना है। अब इसमें 4 से 5 हरी मिर्च डाल लेनी है, या आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालिए। उसके बाद मैंने इसे ढक करके बॉयल कर लिया था। तो ये देखिए, मटन हमारा तकरीबन 60-80% तक कुक हो गया है। तो इसमें अब हमें चावल डालना है। तो चावल के अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पहले हम इसमें चावल डालेंगे। यहाँ पे बिरयानी बनाने के लिए मैंने 2 कप चावल का यूज़ किया है, बासमती कच्चा चावल का यूज़ किया है। आप चाहें तो सेला चावल से भी बना सकते हैं। अब इसमें हमें देखना है कि पानी कितनी डालनी है। तो पहले डाल लेना है नमक, उसके बाद इसे मिक्स करना है। तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसमें हमें पानी कितना डालना है। चावल डाल लेने के बाद अब हमें फिंगर डाल करके चेक करना है। अगर पानी का लेवल ठीक है तो फिर आप जिस तरह से पुलाव बनाते हैं उसी तरह से इसमें पानी एडजस्ट कर लें। और पहले 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे कुक करना है ढक करके। उसके बाद हमें गैस की फ्लेम लो करनी है। तो 5 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया है और आप देख सकते हैं पानी 50% तक सोख हो गया है। तो अब गैस की फ्लेम हमें लो करके इसे 5 मिनट तक और कुक करना है। और इस टाइम पे मैंने इसमें बारीक कटा हरा धनिया, पुदीने के पत्ते डाल लिए हैं और कुछ नींबू के स्लाइस डाले हैं। और ये देखिए, चावल का पानी आप देख सकते हैं 50% तक खुश्क हो गया है। तो बस इसे अब इसी पर हमें 5 मिनट तक और ढक करके कुक करना है। और ये देखिए, 5 मिनट तक ढक करके इसे और कुक कर लिया है मैंने और ये परफेक्ट तरीके से सेट हो गया है। चावल भी अच्छे से कुक हो गए हैं। तो अब इसे हमें दम पे डालना है। तो दम पे डालने से पहले इसकी हम गार्निशिंग कर लेंगे।
दम पे डालने से पहले इसमें हमें डाल लेना है देसी घी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 100 ग्राम देसी घी का यूज़ किया है। देसी घी डालने से बिरयानी का टेस्ट भी अच्छा आता है, बिरयानी सॉफ्ट बनती है और खुशबूदार हो जाता है। फिर इसमें मैंने डाल लिया है थोड़ा फूड कलर, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हरी मिर्च का अचार है, ये आप ज़रूर से डालें। फिर फ्राई की हुई प्याज डाल लेनी है। फ्राई की हुई प्याज को डाल लेने के बाद ढक्कन के ऊपर मोटा कपड़ा लगा करके इसे ढक देना है और इसे दम पे तकरीबन 10 मिनट तक के लिए छोड़ देना है। तो ढक्कन के ऊपर एक भारी वेट का कुछ भी सामान रख दें। और ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी परफेक्ट बिरयानी बनी है। चावल कितना खिला खिला है, चावल भी नहीं टूटा है, और इसके पीस आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट बनकर आए हैं। तो इसे अब सर्व करना है। सर्व करते टाइम आप इसके ऊपर डाल लीजिए चाट मसाला और फिर इसके ऊपर डाल लीजिए तली हुई प्याज। और ये देखिए, इसे आप सर्व कर सकते हैं रायते के साथ, चटनी के साथ, सैलड के साथ, किसी भी चीज़ के साथ ये ज़बरदस्त लगती है। फ्रेंड्स, ये मुरादाबादी मटन बिरयानी है तो बहुत सिंपल, बहुत आसान सी रेसिपी है, मगर इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर ऑसम होता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बनाना भी बहुत आसान है, आप इसे घर में इजली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मुझे एक बार कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।